हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, आगे चल के मई, जून, जुलाई, बरसात के दिनों में, इन दिनों में पशु बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है किसान भाइयों, वो ये है कि पशु इस टाइम में गर्मी में दूध कम कर देता है, कीड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और पशु हिट भी नहीं होते हैं और गाभिन वगैरह की भी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो के बिना भगाए आखिरी तक बने रहें। किसान भाइयों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ही भयंकर है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, आगे चलकर मई, जून, जुलाई, बरसात का भी महीना आने वाला है। ऐसे में हमारे गाय भैंस जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमार होते हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है किसान साथियों कि इस मौसम में दूध तोड़ देते हैं, दूध कम कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और पशु हीट में भी नहीं आते हैं, जिससे गाभिन होने की भी समस्या बनी रहती है। इन सारी समस्याओं से किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए हम आज आपको कुछ खास टिप्स देंगे। अगर आप इस टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित ही इन सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। इसके लिए करना क्या है किसान साथियों, आपको सबसे पहला जो काम है वो है पानी का। जी हाँ किसान साथियों, इस भीषण गर्मी में अपने पशुओं को, गाय भैंस को दिन भर में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप उसके साथ में थोड़ा जौ का आटा डाल दीजिए या गेहूं का आटा डाल दीजिए, फिर या तो हो सके उसमें गुड़ थोड़ा डाल दीजिए। क्या होगा, इसके सहारे वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे। जब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे तो दूध की जो कम करने की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, अब बल्कि दूध बढ़ाकर ही देगा पशु आपका। और पानी भी शुद्ध पानी होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारे किसान भाई जो पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं या भैंसों को तालाब में नहलाने के लिए ले जाते हैं तो वहीं पर गंदा पानी पी लेते हैं, नाले का पानी पी लेते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप भैंस को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं तो पानी पिला के ले जाइए और लाकर ही पानी पिलाइए। शुद्ध पानी पियेंगे तभी जाके वो आपका जो कीड़े उड़े की समस्या है, बीमारी की समस्या है, वो समस्या नहीं होगी। दूसरा जो काम करना है किसान साथियों वो ये है कि इस मौसम में पशुओं को, गाय भैंस को कम से कम दिन भर में 2 बार नहलाइए। जी हाँ किसान साथियों, कम से कम 2 बार इसको नहलाइए ताकि जो पशु गर्मी है वो ठंडक जब महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिक दूध ज़्यादा देंगे, दूध वो नहीं तोड़ेंगे। तीसरा जो काम है किसान साथियों वो ये है कि आप अपने पशुओं को जो लगेन, जो मतलब कि जो ब्याई पशु हैं, जो दूध देने वाली हैं, उनको आप कम से कम हफ्ते में 1 बार गुड़ और बेसन तेल इनका घोल बना कर दीजिए। निश्चित ही किसान साथियों आप देखेंगे कि आपके दूध में बढ़ोतरी हो गई है। जो पशु 1 लीटर दूध देता था वो 1.5 लीटर देगा। इसके लिए किसान साथियों आप इसको पिला कर अजमा कर देखिए। जो चौथा काम है किसान साथियों वो ये है कि इस गर्मी के मौसम में आपको हरा चारा का प्रबंधन ज़रूर करना चाहिए। किसान साथियों, हरा चारा जब आप इनको गेहूं के भूसे वगैरह में मिला कर देंगे तो इसको चाव से खाएंगे भी, चोब से, और आपके दूध में भी बढ़ोतरी होगा। और जो पांचवा काम है किसान साथियों वो ये है कि आप अपना जो पशु हैं उनको छायादार होना चाहिए, धूप में ना बांधें, छाँव में बांधें, और जो जू चीचड़ वगैरह है इनका भी आपको प्रबंधन करना होगा, तभी जा कर के इन सारी समस्याओं जो दूध कम कर रहे हैं उस इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। साइलेंट हीट की समस्या जो है किसान साथियों वो बहुत बड़ी समस्या है। इसमें होता क्या है कि पशु हीट में तो आता है लेकिन वो साइलेंट रहता है, जिससे कोई हरकत नहीं करता, जिसे हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसके निदान के लिए आपको बीच बीच में 15 से 20 दिन के बीच बीच में आप अपने बाड़े में भैंसा और सांड ज़रूर लाएँ। इससे क्या होगा, इस समस्या से निदान हो जाएगा और आपका पशु जो है वो गाभिन भी हो जाएगा। इन छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान रख करके आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर चेक कीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही खेती बाड़ी संबंधी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।